नमस्कार दोस्तों, है कि साड़ी पहनकर आपको किस तरीके से बैठना है ताकि आपके पैर में ये साड़ी का जो नीचे वाला पार्ट है वो फंसे ना, क्योंकि क्लच, गियर, ब्रेक, वो तीनों को हमें कंट्रोल करना है पैर से ही। और अगर बैठते हैं तो साड़ी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो आपका पैर है उसमें फंस सकता है साड़ी में। तो मैं पहले दिखाती हूँ, इसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे साड़ी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर लेंगे साड़ी को, जैसे यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ साड़ी पहनकर। ओके, साड़ी को थोड़ा सा ऊपर खिसका के रखें और पैर को पहले ही फ्री करें। जिस समय बैठ रहे हैं आप उसी समय अपने पोजीशन को चेक कर लें, एक्सेलरेटर लेते हुए, क्लच लेते हुए, ब्रेक लेते हुए, ठीक है। तो ये हम पहले ही कन्फर्म कर लेंगे। तो अभी हमारी साड़ी बिल्कुल ठीक है। मुझे कमेंट में आया कि मैम मेरी गाड़ी बार बार ब्रेकर पे बंद होती है और ये प्रॉब्लम मुझे परेशान करके रखा हुआ है। तो अभी मैं चलती हूँ ब्रेकर के पास और ब्रेकर के लिए अभी ब्रेकर के पास चलेंगे। जिस भी गियर में आप गाड़ी को चला रहे हैं, मान लीजिए थर्ड गियर में चला रहे हैं, फोर्थ गियर में चला रहे हैं, तो आप गियर को डाउन कर लीजिए। जैसे थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है ना, तो सेकेंड गियर में कर लीजिए ब्रेकर के पास आकर, और हल्का सा क्लच ब्रेक लेते हुए ब्रेकर को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। जैसे हमारे आगे अभी ब्रेकर है, ठीक है। तो अभी हमारी गाड़ी बहुत स्पीड नहीं है, सेकेंड गियर में चल रही है, तो अभी हम क्या करेंगे, हल्का सा क्लच ब्रेक लेंगे और गाड़ी को बढ़ा लेंगे। एक और ब्रेकर है, हल्का सा यहाँ पर ब्रेक लेकर और गाड़ी को फिर से स्पीड दे देंगे। ध्यान रखें कि जब भी आपके सामने कोई ब्रेकर आ रहा है तो आप ब्रेकर के सामने गाड़ी स्पीड बिल्कुल भी नहीं करें। आप सोचेंगे कि ब्रेकर है तो स्पीड करती हूँ तो गाड़ी आगे निकल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, बल्कि वहाँ पे आपको स्पीड को कम कर देना है। आगे एक और ब्रेकर है, तो मैंने क्लच और ब्रेक फिर से लिया है और गाड़ी हमारी आगे निकल गई है। अब मैं यहाँ पे रेस दे रही हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी सोसाइटी में। यहाँ भी खूब ब्रेकर है, देखिए मैं झूल रही हूँ। आगे और है, ये देखिए, स्लो करते हुए हल्का ब्रेक लेते हुए, और फिर एक और ब्रेकर है, ये देखिए, ये देखिए। तो ब्रेकर के सामने आकर आपको स्पीड को कम कर देना है क्लच और ब्रेक के साथ, और जैसे ही ब्रेकर को पास कर रहे हैं वहाँ पे स्पीड देनी है। जब आप क्रॉस करते हैं ब्रेकर को, पहले स्लो करना है और ब्रेकर को क्रॉस करते ही स्पीड देनी है, और हो सके तो आप गियर को कम कर लें। लेकिन मेरी गियर पहले से ही कम है, ठीक है, मैं सेकेंड गियर में ही गाड़ी को भी रखी हुई हूँ। आप टेक्निक समझ लें कैसे ब्रेकर को क्रॉस करना है, तो इजी होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अंदर सोसाइटी है तो बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि गाड़ी स्पीड ना हो। फॉक्सी, फॉक्सी, अगर आप ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहे हैं फोर्थ गियर में, थर्ड गियर में, तो वहाँ पे आप अपने गियर को कम कर सकते हैं, एक डाउन करके और क्लच ब्रेक लेके हल्का सा, और फिर आगे स्पीड हल्का सा दे कर आगे मूव कर सकते हैं, या फिर ब्रेकर के पहले एक गियर कम कर लिया, जैसे ही ब्रेकर को क्रॉस किया गियर को बढ़ाकर स्पीड दे दिया,
कई तरीके हैं ब्रेकर को क्रॉस करने के, तो जैसे ही आप सीख जाएंगे अच्छी तरीके से, वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं ना वो प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाली है। प्रैक्टिकल करेंगे, खुद ही फेस करेंगे उस चीज़ को, तो अच्छी तरीके से आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।